आजादी की 75वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम तय कर रही है। रायपुर में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बाकायदा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेताओं को बुलाया गया और दिग्गजों ने बैठक की। इस बैठक में तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी आजादी के अमृत महोत्सव को इस तरह मनाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संगठन का जुड़ाव हो सके। जाहिर है, आजादी के महोत्सव के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी पैठ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए खास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव राय ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर मोहल्ले, हर क्षेत्र के घरों में तिरंगा फहराया जा सके, इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं। यह भी तय किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र की 75 जगहों पर ध्वजारोहण होगा। साय के मुताबिक इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बल्कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को सामने रखा जाएगा, ताकि लोगों का उन पर प्रभाव पड़ सके। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने आए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश संगठन के नेताओं को इसके लिए खास जिम्मेदारियां सौंपी है। बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग जैसे संभागों में भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्यक्रम करेगी। 2023 में विधानसभा का चुनाव है और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन 2023 में हम सब लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाएं और इस निमित्त सभी विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं ताकि वहाँ पर संगठन का सारा कार्यक्रम ठीक से चले। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.